जितने भी हमारे भारत देश के अंदर मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं उनको मैं क्लियर कट बता दूं कि एक चीज फाइनल है कि देश के अंदर कोई भी सरकारी नौकरी के अंदर आपको कोटा मिलता है, आपको एक अलग से दर्जा दिया जाता है, ना कि आपको ऐसा कोई सिस्टम है कि जिसमें आपकी वैकेंसी को रद्द कर दिया जाए या कम कर दिया जाए। आज हमारे आंटी हैं, ये किराड़ी में रहते हैं और ये यूसुफ है, इसने अभी चार्ली अकेडमी ज्वाइन किया है। इनके मन में भी एक डाउट था कि क्या यहाँ पे भी कोई भेदभाव होगा या यहाँ पे तैयारी करने के बाद जब ये सिलेक्शन लेने के लिए किसी महकमे में जाता है तो वहाँ पे भी किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम होगा। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि ना तो आपको फिजिकल और ना ही आपको रिटर्न में किसी तरीके से भेदभाव का यहाँ पे किसी तरीके से सामना करना पड़ेगा और ना ही आपको भर्ती में किसी तरीके से कोई भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट हैं आप लोगों को मोस्ट वेलकम चार्ली अकेडमी में भी और देश के किसी भी सरकारी महकमे में भी आप अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जय हिंद।